चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जिस मंजिल की तलाश थी वो निश्चित रूप से आज राधाकांत वर्मा, राधाकांत वर्मा जिला प्रभारी जो विश्व हिंदू महासंघ के हैं, उनके सपने आज निश्चित रूप से साकार हो जाते हैं। आज आजकल रामनवमी का पर्व भी चल रहा है। रामनवमी के आज अंतिम दिन कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। आप 9 दिन से व्रत थे, कन्या का पूजन किया गया, पति पत्नी दोनों लोग 9 दिन व्रत थे। आप देखिए हमारे सामने कुछ कन्याएं बैठी हुई हैं जो माता जी का रूप है, इनको यथाचित सत्कार भी किया गया, पूजन किया गया, आराधना किया गया, माँ दुर्गा का आराधना किया गया, इन बच्चों को मिष्ठान वितरण कराया गया और तदुपरांत कुछ फल दिया गया। आइए कुछ बच्चों से रूबरू होते हैं। और जो इतना बड़ा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे राधाकांत वर्मा जी हैं, आपसे रूबरू होते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैत रामनवमी का ये जो पर्व चल रहा है, जिसका समापन है, ये जो कार्यक्रम आपने रखा है, क्या ये प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं सर? ये लगभग हम 30 साल से इस कार्यक्रम को हम करते चले आए हैं। यह जो है एक सामाजिक व्यवस्था, जिसे कि इसमें सारे समाज के बच्चे हैं, इसके अंदर ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं और सारे समाज के बच्चों को, यहाँ तक कि दलित भी बच्चे इसमें हैं, जो दलित समाज की बच्चियाँ हैं, इनको हम 30 साल से इनको सब एक बराबर समझते हुए छुआछूत को मिटाने के लिए यह हम कार्यक्रम करते हैं। इसको अभी 9 कन्याओं को पूजन करते हैं। पूजन के बाद इसके बाद इनको जो है फल दे करके और धन धान्य दे करके इनकी आराधना कर करके और इसके बाद कीर्तन होकर के फिर हम लोग संपन्न करते हैं। आज 9 दिन हो गया माता जी को उपासना करते हुए, आज 9 कन्या का पूजन हम ईश्वर कर रहे हैं। धन्यवाद। जो हमारे सपनों का भारत है, अखंड भारत, जिसकी कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने किया, वह निश्चित रूप से साकार होने जा रहा है। जाति पात रंग लिंग भेदभाव के बिना आज ये विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जात की ये बच्चियां बैठी हुई हैं, इनका विधिवत पूजन अर्चन किया गया, स्वागत किया गया। आइए कुछ बच्चियों से रूबरू होते हैं। बेटा आपका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ती हैं? आज जो ये पूजन किया गया नव दुर्गा का, आपको कैसा लग रहा है? आपको कोई पोयम आती है, कोई सुनाना चाहेंगे? सुनाइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा आपका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ती हो? ये जो आज पूजन किया जा रहा है, आपका नाम क्या आपने बताया? क्या आपका नाम है? मानसी। किस क्लास में पढ़ती थी? 4 में पढ़ती हैं। जो आज कन्या पूजन किया गया राधाकांत वर्मा जी के नेतृत्व में, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया, इसमें किस तरीके से किया गया? सबसे पहले आप लोगों को बुलाया गया, आपके पैर भी छुआ गया होगा और फिर उसके बाद से कुछ मिठाई खिलाई गई, और कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया? मानवी। किस क्लास में पढ़ती हैं? ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप हर साल आना चाहती हैं, यहाँ पर आती भी होंगी? थैंक यू। देखिए ये विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के बच्चे हैं जो यहाँ पर आकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड सुरेंद्र त्रिपाठी गोरखपुर, धन्यवाद। विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा जी हैं, मौजूद हैं। यहाँ पर कन्या पूजन का एक कार्यक्रम कालीबाड़ी गीता प्रेस में रखा गया। आइए आपसे रूबरू होते हैं। इन्होंने आज क्या संकल्प लिया, आपके मुख से, आपके जबान से इनकी बातें सुनते हैं। आज हम लोग कन्या पूजन पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है और जितना ज़्यादा कन्या पूजन होता, क्योंकि धार्मिक देश है हमारा ही, उससे कहीं ज़्यादा कन्याओं का और महिलाओं का शोषण होता है। हम संकल्प लेते हैं कि आज जो माता जी का चरण धो करके और पूजा अर्चना करके